आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में। नहीं, फिजिक्स नहीं, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस। पहले हम ये जानते हैं ग्रेविटी होती क्या है। ये दरअसल एक तरह का फोर्स है और ये फोर्स धरती हमारे ऊपर लगाती है, हमें अपनी तरफ खींचती है और तभी सारी चीज़ें धरती पर गिरती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर धरती अपनी तरफ हमें खींचती है, क्या हम भी धरती को अपनी तरफ खींचते हैं? जवाब है हाँ। तीसरा सवाल यह है कि क्या धरती हमें जितनी ताकत से अपनी तरफ खींचती है, क्या हम भी उतनी ही ताकत से धरती को अपनी तरफ खींचते हैं? तो इसका जवाब भी बहुत मज़ेदार है कि हाँ, दरअसल फोर्स का फॉर्मूला एक ही है। चाहे वो फोर्स पता करना हो कि धरती हमें कितनी तेज़ी से खींच रही है अपनी तरफ, या वो फोर्स पता करना हो कि हम धरती को अपनी तरफ कितनी तेज़ी से खींच रहे हैं, और इसका फॉर्मूला एक ही है, यह है F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ F वो फोर्स है जो कि कॉमन है दोनों केस में, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और M1 है धरती का मास और M2 है हमारा मास, और हमारे और धरती के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि इस मामले में रेडियस, वो R है। ये फार्मूला दोनों केसेस में फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि M2 यानी कि हमारा मास जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स धरती हमें अपनी तरफ खींचेगी, हाँ, अपनी तरफ लगाएगी। यानी कि अगर आपका वज़न बढ़ने लगेगा तो इसके आपके शरीर के ऊपर बहुत सारे दुष्प्रभाव होंगे। तो आज हम जानेंगे ग्रेविटी से होने वाली बीमारियों के बारे में। दो या तीन सिर्फ कॉमन बीमारियाँ। आपकी रीढ़ के हड्डी में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इन टुकड़ों के बीच में कार्टिलेज होता है। अगर आपका वज़न बढ़ने लगेगा और धरती आपको तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगी, तो ये रीढ़ की हड्डी के टुकड़े आपस में श्रिंक करेंगे और इनके बीच में जो कार्टिलेज है वो फिसल के पीछे या आगे की तरफ निकल आएगा, और इससे नसों पे दबाव पड़ेगा और आपकी कमर में दर्द रहेगा। फिर डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप झुक नहीं सकते या ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, हमेशा आपको चेयर बैठना पड़ेगा। दूसरी ऐसी बीमारी होती है घुटनों के जॉइंट में। घुटनों के जॉइंट में दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है स्पंज जैसा, ये लगातार घिसने लगेगा क्योंकि ऊपर का पूरा दबाव इस जॉइंट के ऊपर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा वज़न बढ़ा हुआ है, M2 मास बढ़ा हुआ है, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास प्लैनेट और आपके बीच में। तो इससे जो दोनों हड्डियां जब आपस में टकराएंगी तो चलते समय तेज दर्द होगा, हम कहेंगे गठिया हो गया है या घुटने का रोग हो गया है, और ये किसी दवा से ठीक नहीं होता। थोड़े दिन पेन किलर खाएंगे कम होगा, लेकिन बीच की जो चीज़ चली गई है वो वापस नहीं आएगी। तो ये ग्रेविटी से होने वाली दूसरी सबसे कॉमन बीमारी है, और पहली सबसे कॉमन बीमारी है लो बैक एक, नीचे कमर में दर्द होना। तीसरी चीज़, आपके शरीर में जो ब्लड है वो सारा ब्लड ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है और ये पैर में इकट्ठा होने लगता है। ये पैर से वापस हार्ट की तरफ जाए और हार्ट इसे वापस पंप करे, इसमें हार्ट पे लोड पड़ेगा और पैर की नसें फैलने लगी और उनमें खून जमा होने लगेगा, नसों का फूल जाना, इसे बोलते हैं वेरिकोज वेंस। तो पैर में उभरी हुई मोटी मोटी नीली नसें दिखाई देने लगी। फिर चौथी प्रॉब्लम जो हम लोग स्किन में देखते हैं उसका नाम है पिगमेंटेड परप्यूरिक डर्मेटोसिस। इसमें जो नसों में लगातार इम्प्योर ब्लड जमा है वो छन करके स्किन में आने लगेगा और पैर की स्किन नीचे से काली होने लग जाएगी। इस बीमारी के लिए हमें नसों को मजबूती देने के लिए कुछ सॉक्स पहनने की हम लोग एडवाइस देते हैं पेशेंट्स को, और कहते हैं कि पैरों को रेस्ट दीजिए, पैर ऊंचा रख के सोइए ताकि ग्रेविटी का असर ना हो। ऐसी एक और बीमारी है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल डर्मेटाइटिस, यानी ग्रेविटी से होने वाला एक्जिमा। पैर में लगातार इम्प्योर ब्लड जमा होने की वजह से एलर्जी शुरू हो जाती है और पैर में नीचे कालापन हो जाता है, अपने आप घाव होने लगते हैं, वो घाव जल्दी सूखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपका वज़न बढ़ा हुआ है और धरती आपको ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ खींच रही है। तो बहुत सारी बीमारियां हम अपना वेट कम करके ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जाना कि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे बहुत सारी बीमारियाँ ग्रेविटी से प्रभावित होती हैं। आखिरी सवाल का एक एक्सप्लेनेशन कि अगर धरती हमें उतनी ही ताकत से खींचती है जितनी ताकत से हम धरती को अपनी तरफ खींचते हैं, तो धरती मूव क्यों नहीं करती? क्योंकि वो फोर्स इतना कम है कि हमें तो खींच लेता है धरती की तरफ, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, और धरती का मास इतना ज़्यादा है हमारी तुलना में कि उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ग्रेविटी जो है वो यूज़फुल तो है, बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से होती हैं, धरती पर जीवन भी उसकी वजह से, लेकिन बहुत सारी हमारी बीमारियां भी ग्रेविटी की वजह से होती हैं। एक और चीज़ भी होती है ग्रेविटी की वजह से, लंबे समय तक जब हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर नीचे की तरफ एक दबाव पड़ता रहता है और एक समय के साथ स्किन जो है वो लूज हो जाती है। तो